लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपका प्यार और जोश देखकर मन भर गया है हमारा। हम ये समझ लिए हैं कि इस इलेक्शन में हमें जितवाकर आप हमें सेवा का मौका दे रहे हैं। हम लंबी उम्र जीना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपकी सेवा के लिए। बच्चा भैया जिंदाबाद। एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है सर, वो वहाँ पर खड़ा होकर जनता की सेवा की बातें कर रहा है और यहाँ उसके गुंडे लोगों को डरा धमका कर वोट वसूल रहे हैं। यानी नेता जी नेतागिरी के सारे गुणों में संपन्न है। क्या कहते हो चौबी जी, कंट्री का क्या होगा? कंट्री ऑन डेथबेड सर, ऑल किडनी फेल सर। कंट्री ऑन डेथबेड सर, ऑल किडनी फेल सर। बच्चा भैया जिंदाबाद। नहीं चौबी जी, हम जैसे लोग भी तो हैं जो कंट्री को ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे रहे हैं। जी सर। हमारे बीच हमारे पार्टी अध्यक्ष अवध नारायण जी हैं, वो लीजिए सर। धन्यवाद चौबे जी। अवध नारायण जिंदाबाद। ये मरहूम कौन है? भाइयों और बहनों, ये पुराना पापी है सर, गुंडों को नेतागिरी के लाइसेंस बांटता है। बच्चा भैया का गुरु है ये। आप सब पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। ए बैठो। ओए जरा, माँ बच्चों की इज्जत नहीं कर सकते, कम से कम खादी की तो इज्जत करके करो। भैया वो है चुलबुल पांडे, बहुत चर्बी है साले को, वो तो देखते ही समझ गया उसको। इससे पहले भी चार थानेदार से टकरा चुके हैं हम इन जैसों का इलाज जानते हैं। जल्दी एक अच्छी सी मुलाकात करते हैं इनसे। आइए, आइए सर। अरे भाई, आज की जनरेशन क्या खाएगी? हमें आज भी डिनर के बाद 12 रसगुल्ले लगते हैं। डॉक्टर ने कहा माथू जरा कंट्रोल करो ना फट जाओगे। हमने कहा चलो तुम्हारी भी सुन लेते, अब सिर्फ 11 खाते। वाह क्या कंट्रोल है सर। ये क्या लिखे जा रहा है भैया जी? एसपी माथुर और चुलबुल पांडे दोनों आ रहे हैं। बच्चा भैया ले आए आपके खास मेहमान चुलबुल पांडे जी को। अरे ओ रामधनी, जरा देखना उस रामपुर की पार्टी के कागज वकील तक पहुंचे या नहीं। अगर ज्यादा नाटक करे ना तो चार आदमी लेके घर में घुस जाना और लगा देना घोड़ा साले के काम में। पांडे जी ये है बच्चा भैया। छोड़िए एसपी साहब, नाम बोल दिया बस, आगे खुद समझ जाएंगे कि हम क्या हैं। नए नए आए हैं, थोड़ा वक्त दीजिए। देखो सर, ऐसा है कि कोठे पर जाने से पहले हम नचनिए के बारे में जान लेते हैं कि उसकी चितवन क्या है, उसकी थिरकन क्या है। आपका पूरा नाम है ठाकुर बच्चा लाल। आपके अलावा आपके पिताजी ने दो गलतियां और की, चुन्नी और गेंदा। इस शहर में आपने जूस निकालने से शुरुआत की थी, आज आप शहर का तेल निकाल रहे हैं। आपके पिताजी श्री केसरीलाल जी डेंगू से मर गए और आपकी मां उसकी खुशी में। बालों में आप तेल डालते हैं चमेली का, नहाते हैं लाइफ बॉय पर्सनल से, दांतों में लाल दंत मंजन और अंडरवेयर पहनते हैं यंग इंडिया 90 नंबर। इसके आगे की जानकारी जरा सीक्रेट है, ना आप सुन पाएंगे ना हम कह पाएंगे। क्यों बे मरा नहीं? दोस्तों हमारे बीच आ रही हैं प्रसिद्ध गायिका ममता। बच्चा है, बच्चा हुई है। वो छोटा सा जानवर कौन सा है जिसे हड्डी फेंकते हैं? कुत्ता। और वो बड़ा सा जानवर? हाथी। चतुराई किसमें है? दुम निकाल ले वरना छेद कर देंगे। क्या हो जाओगे कंफ्यूज? कैसे
इसके सांस कहां से ले? आपका अपमान देख के आत्मा चिटक गई हमारी। गोविंदे, इतनी गहराई में काहे उतर रहे हैं आप? इतना भी कुछ नहीं हुआ है भैया। जो हुआ है ना, वो कम भी नहीं है। हमारे छोटे होने का मतलब है दूसरे का हमसे बड़ा होना। जब शहर में सब हमसे बड़े हो जाएंगे तो कहां की शाख रह जाएगी हमारी? जो कुछ हुआ है मन से निकाल दिए हैं, ऐसा कहां कह रहे हैं हम। लेकिन कभी कभी भड़बड़ा के नहीं, बुद्धिमानी से सोचना पड़ता है। तभी 15 साल से दबदबा बना के रखे हम यहां पर। बाकी पांडे ये जो रंग हमें दिखाए हैं ना, अकाउंट खोल दिया है उनका हम। पापा, आपने मां पर ऐसा कौन सा रंग चढ़ा दिया था जो हम उतारते उतारते थक गए लेकिन उतरा नहीं? अच्छा ये तो बताओ कि मिले कहां से? दिमाग मत चाटो यार। चलो अगर मूड नहीं है तो मत बताओ, फिर कभी। पापा क्या है, सो गए क्या? नहीं, मैं कह रहा था कि नींद नहीं आ रही और बताने का मूड है तो बता ही दो। जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो चुप नहीं बैठने वाला। तो सुनो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी माँ को मैं शादी में मिला था। वो गलती से हम टकरा गए थे, चाय की ट्रे भी मुझ पर गिर गई थी। मैं तो दंग रह गया, घूरता ही रह गया, पर वहां बात नहीं बनी। फिर तुम्हारी वो पटना वाली चाची थी ना, उससे मैंने बात की, उसने तुम्हारी माँ से बात की और तब जाकर तुम्हारी माँ कहीं मानी। और फिर जब वो मुस्कुराई, वाह, बेवकूफ। पापा, शादी के बाद जब आप हमें चाची के यहाँ छोड़कर पिक्चर देखने गए थे, कौन सी पिक्चर देखने गए थे आप, जूली या कूली? तुम्हारी माँ। अरे पापा, अपनी माँ की इज्जत करो, अपने बाप के साथ बात कर रहे हो तुम। जब रूठ गए ना, बुरा मान गए। माँ ठीक ही कहती थी कि आपके साथ सोने में कोई एंजॉयमेंट नहीं, हम जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ सोने। क्या कहा माने, ऐसा कहा माने? अरे इतनी रात गए कौन है? हेलो। हाय अल्लाह, प्रजापति पांडे, मेरे सपनों के देवता। आज छत पे अकेले सो रहे हो? भैया आसमा, किससे बात कर रही हैं आप? हाय अल्लाह, मेरे वो आ गए। हेलो, कसाई है, बड़ी खतरनाक है, आप जल्दी उठ के सो जाइएगा। भैया आसमा, तुम अपनी कमीनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। अच्छा मैं रखती हूँ। हेलो हेलो आसमा, आसमा कमाल करते हो पांडे जी। कमाल है। रज्जो जी, घड़ी का है हमारी रज्जो। रज्जो, तो बेल्ट का है हमारा। जो कंगी कहाँ है? ओ, ओ, सुनो, तुम हमारी पत्नी हो, कोई गुलाम नहीं। जब भी हम तुम पे ऐसे रोप झाड़े ना, उसका विरोध किया करो, समझी? चलो जल्दी से छुट्टा करो। देवना, देवना, चलो हम खुद ही ले लेते। चलो एक और दे दो, एक और, दो तीन डक्के तो आज हम यूं ही रिहा कर देंगे। अरे चाचा, पैदल कहाँ चल रहे हो? आओ, गाड़ी हाजिर है आपके लिए। कौन हो आप लोग? हम लोग बुजुर्ग सेवा मंडल के सदस्य हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं। आइए,
नहीं नहीं हम ठीक है। अरे आइए चाचा आइए। अरे चार से ये क्या बदतमीजी है चाचा। हम ऐसे सेवा करते हैं, आराम से बैठिए, दो चार बातें करेंगे और इज्जत से घर छोड़ देंगे। क्या मतलब चाचा? जो आपके सुपुत्र है ना, आदरणीय श्री चुलबुल पांडे जी, उन्होंने अपनी थानेदारी से पूरे शहर में आतंक फैला रखा है, और ये बात जो है वो हम जैसे कुछ शरीफ लोगों को जच नहीं रही है। अब देखिए, ऐसे कारनामे तो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके या तो घर बार नहीं होते हैं या घर बार से मुंह नहीं होता, समझे? इतने से मन नहीं भरा हमारा, पर क्या करें, भैया ने हाथ जो बांध रखे। बच्चा भैया, उनके छोटे भाई हैं हम। गेंदा, चलो भाई निकालो। ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई पापा, ड्यूटी छोड़कर आए? अकेले नहीं हो पुलिस डिपार्टमेंट में तुम, और भी लोग नौकरी करते हैं वहां। पापा हुआ क्या? पापा बड़ी मुश्किल से हमारा परिवार संभल पाया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कल को नन्हे मुन्ने बच्चों की किरकारियां भी गूंजेंगी यहाँ। अब इन खुशियों को बच्चा भैया जैसे गुंडों की नजर नहीं लगनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं सोचो उसे। नमस्ते। नमस्ते। वो भैया के पैसे ट्रांसफर हो गए क्या? हो गए हैं। अरे हाँ, इस बार तो बड़ी जल्दी पैसे ट्रांसफर हो गए, पहले तो 5 दिन लगते थे ना। Zoom.com से ट्रांसफर हुए हैं, 24 घंटे में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ओ, बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू। ओके। हाय 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 हाय, बड़ा बच बच के चल रही हो आजकल। रास्ता छोड़ो हमारा। धक कह रही, कांटे लगे हैं क्या हमें? सुना नौटंकी चल रही है घर पे शादी की, हैं? तुम्हें रानी बनाने का सपना हम देखें और घर पे कोनो दूसरा राजा आएगा, माँ कसम अनर्थ कर डालेंगे। हाथ छोड़ो हमारा। यार जल्दी करो। अरे चाइना नहीं चढ़ रही है। क्या हुआ बेटी, तुम परेशान लग रही हो? कुछ नहीं दादाजी, शहर में पागल कुत्ते बहुत बढ़ गए, पता नहीं इनका इलाज कब और कौन करेगा। जिस देश की सेवा करते हुए मैंने अपनी जिंदगी खर्च कर दी, उसी देश में आज सांस लेना मुश्किल हो रहा है मुझे। उस त्याग और बलिदान का ये सिला मिल रहा है मुझे। मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये है मेरी पोती अंजलि, इसकी शादी होने वाली है और एक गुंडे ने धोस दिए कि वो इसे मंडप से उठा के ले जाएगा। और वो जो गुंडा है ना, उसका नाम है गेंदा, और वो यहाँ के विधायक बच्चा भैया का भाई है। लेकिन वो कुछ नहीं, आप हमारी FIR दर्ज कीजिए। आदरणीय FIR महोदय, हमारे होते हुए इतना कुछ हो गया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। वैसे कौन सी लड़ाई में भागीदारी रही थी आपकी? आजादी की लड़ाई। बस तो फिर घर जाओ, रॉकिंग चेयर पर बैठो और शादी की तैयारी करो। आपकी लड़ाई आपके काम आ गई और हमारे भी।